अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राना वसीम और आज हम मौजूद हैं लकी एसएसडी आइकन वन के प्रोजेक्ट पे जो कि मिडवे कमर्शियल ए पे लोकेटेड है। इसके लिए आज हम इस पे डिटेल गुफ्तगू करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मान अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान भाई? ठीक है, शुक्र। आप सुनाएं वसीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, आप जो है सबसे पहले तो इसके जो बिल्डर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। जी वसीम भाई, इसमें इस तरह से है कि देखें, लकी एसएसडी आइकन वन जो हम ऑन साइड कर रहे हैं, इसके बिल्डर का हम बात करते हैं एसएसडी डेवलपर्स, ठीक है। और बेसिकली इनका जो है ये हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, कन्हैया लाल साहब हैं। और इसको जो है ना, वी आर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, ठीक है ना, पीपीएल जो है इसको सारा इसका सेल कर रहे हैं जी। और बाकी जितनी भी इसकी अवेलेबिलिटीज़ हैं और जितनी भी आप बुकिंग्स करवाएंगे आप पीपीएल के थ्रू ही करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ये गुडविल है हमारी कि हम जो है ना इसको ऑन साइड जो है ना हम इसको ब्रीफ खुद कर रहे हैं आके, और अपने कस्टमर को भी जो है ना इसका मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मिडवे पिडवे के अंदर जी, तो आप लोकेशन को देखें, लोकेशन का आप जो है ना ऑन साइड आके विजिट करें। सही। विजिट करने के बाद देन जो है ना आप इस पर डिसीजन लें। ठीक हो गया जी। तो उस्मान भाई, ये आप इनके बारे में बता दें कि ये इनका बहरिया टाउन में, ये इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं इसमें? वसीम भाई, इनके ऑलरेडी जो है ना वो इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं रेजिडेंशियल जो हैं कि यानी कि 50 ऐसे हाउसेज हैं जो उन्होंने डिलीवर किए हैं बना कस्टमर को। सही। ठीक है, ऑथेंटिक बिल्डर है। और इसके अलावा ऑन साइड कमर्शियल की बात करते हैं तो मिडवे बी के अंदर भी इनका ऑन साइड जो है ना एसएसडी आइकन के नाम से जो है ना वो प्रोजेक्ट हो रहा है। सही। इसके अलावा मिडवे सॉरी इसमें प्रिसेंट 9 के अंदर जिसे हम बैरिया हिल्स कहते हैं, टॉप की लोकेशन कहते हैं इसको, बैरिया टाउन के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिसमें ये K4 लिंकेज जो ना गुजर रही है इसकी फेसिंग भी इन्होंने दी है। ठीक है। लिबर्टी ट्विन टावर के नाम से जो ना ये ऑन साइड जो इसका काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑन साइड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप अगर कस्टमर का आपसे इस चीज़ का क्वेश्चन करता है ऑन साइड, अगर आपके विजिट करते हैं सारी चीज़ें, तो आप भी ब्रीफ कर सकते हैं अपने कस्टमर को ना। सही हो गया जी। तो अभी व्यूअर उस्मान भाई हमें बता रहे थे बिल्डर के बारे में, तो अब हम उस्मान भाई से पूछेंगे कि ये जो इसकी लोकेशन क्या है और इसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, लोकेशन में सेम है, इसके मिडवे ए कहलाता है ये, और जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लॉट नंबर 155 156 एक प्लॉट्स के ऊपर हम बैठे हुए हैं। और अगर इस रो की बात करते हैं, जैसे आप हेड ऑफिस की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको पहली रो जो मिलती है मिडवे ए के अंदर इंटर होने के लिए, आप उसी रो पर ही प्रोजेक्ट करते हैं। सही। ठीक है ना। और ऑन साइड भी हम जो है ना ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट्स इसके इशू कर रहे हैं उसमें हम जो है ना एफिडेविट्स वगैरह भी लगा के सारी चीज़ें जो है ना क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हमें उस्मान भाई इसके फ्लोर प्लान के बारे में बता दीजिए। इसके फ्लोर प्लान इस तरह से हैं कि ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग है। सही। ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड से लेकर देन ऊपर आप जाते हैं ऑनवर्ड, तो आपको जो है ना एक सीरीज वाइज जो है ना 1 से लेके 8 तक जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। सही हो गया। और इसमें ऑफिस जो दिए गए हैं उसके साइज डिफरेंट हैं या एक ही साइज है? डिफरेंट साइजेज हैं इसके, ग्राउंड के जो है ना वो सेपरेट हैं, और इसके अलावा जो फर्स्ट से लेके 7th फ्लोर तक हैं वो सेम है। एक फ्लोर के ऊपर 4 ऑफिस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर 8वें फ्लोर पर जाते हैं थोड़े से जो है ना स्क्वायर फीट का डिफरेंस आएगा साइज़ के अंदर। सही हो गया। और इसमें जो ऑफिस बनेंगे वो किस टाइप के ऑफिस होंगे? आप अपना किसी भी किस्म का ऑफिस यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो नीचे शॉप्स हैं उसकी कोई लिमिटेड साइज़ है या जो बंदा जिस साइज़ में परचेज़ करना चाहे उसे मिल सकती हैं? जो साइज़ जो डिफ़ाइन किया गया है उस जो हमने इसके ब्रोशर्स जो किए हैं, जो बैरिक तस्वीर की जो ड्राइंग्स की अप्रूवल हुई है, उसी साइज़ के ऊपर जो है आपकी फाइल्स भी बनेगी। सही हो गया। उसी साइज़ को आपने फॉलो करना। ठीक हो गया। और इसका मेन गेट से जो डिस्टेंस है वो कितना है? इसका अप्रोक्सीमेटली जो है ना राउंड अबाउट जो है ना आपका 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ठीक हो गया। उस्मान भाई, एक और चीज़ थी जो इसकी अगर अम्यूनिटीज़ की बात करें, तो अब ये देखें इधर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है मिडवे में, तो इधर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और जो लोगों की नीड भी हैं? देखें, इसमें सेम भाई अम्यूनिटीज़ के अंदर आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी इसके एक सराउंडिंग की बात करते हैं, इसके जितने भी 7-4 जो है ये पीसेंट 4 है आपका 9 है और 6-8 है। आउट साइड अगर आप जाके देखते हैं तो हाउसेज बन रहे हैं, फैमिलीज भी शिफ्ट हो रही हैं, तो उनके नीड्स हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी आपकी मिडवे बी के अंदर जो है ना आपको सारी इस तरह की जो है ना चीज़ें मिलेंगी। और आपके घर के जो कोई है एक्सेसरीज वो भी आपको जो इजली आप यहाँ से जो है ना परचेज कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर हम देखते हैं, अगर आप कोई अपना कारोबार यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, कोई शॉप वगैरह ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑफिस अपना खोलना चाह रहे हैं, कुछ किसी भी तरह आर्टिकल रिलेटेड कोई आपको काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है
आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। उस्मान भाई एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि आजकल जो है वो कमर्शियल जो है वो एक हब बना हुआ है, मतलब कि अगर हम देख रहे हैं कि जो चीज़ ग्रोथ कर रही है बैरिया में वो कमर्शियल है, मतलब इसके आए दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो मतलब जो भी कोई कमर्शियल में इन्वेस्ट हमारा व्यूवर्स करना चाह रहे हैं वो एंड यूज़र हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो, तो ये उनके लिए कैसा है इन फ्यूचर? देखें इसमें इसके अंदर जो ना आपके पास वो टाइम फ्रेम दिया जाता है बिल्डर की तरफ से, आप अगर उस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, आपकी ये गुडविल होगी कि आप उस टाइम फ्रेम को फॉलो करें, करने के बाद उसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप फ्रूटफुल जो है ना इसका इनकम जो है ना वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके पास पर्पज़ एक आ जाता है कि आप इसको रीसेल पे भी डालेंगे आपको एक अच्छी रिटर्न अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसको कल को सेल नहीं करना चाह रहे, अपना कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन मौजूद होगी कि आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर आप अपने यहाँ पर रिहाइश करते हैं आप अपना साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आपने ऑप्शन परचेज किया हुआ है आप इसकी रेंटल वैल्यू जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। जो एंड यूज़र्स भी हैं उनको वो सेल नहीं भी करते तो उनका जो वो है एसेट वैल्यू जो है वो तो बढ़ती है। बिल्कुल ऐसी है जी, ठीक हो गया जी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे और उस्मान भाई को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।